बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाम प्यारे बच्चों वेलकम बैक मैं हूं हमद सदफ़ आपकी इंग्लिश की टीचर और आज डी एन नर्सरी क्लास हमारा इंग्लिश का वो लेसन उस जिसमें हम कोई नई आवाज़ सीखेंगे कुछ नई वकीबलरी सीखेंगे और उस वकीबलरी को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे सो डी टीचर्स आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स इज रिकन ऑफ कैपिटल लेटर ई एंड इट्स फॉनिक जी हाँ फोनिक्स जिनको हमने प्ले ग्रुप में पढ़ा था आज हम उनके लेटर्स के नाम जो है उनको सीख रहे हैं नर्सरी क्लास में सो so, ये एक लर्निंग की प्रोजेक्शन है शाबाश बच्चों आपने प्ले ग्रुप में जितनी सारी भी आवाज़ें सीखी जिनको अपने स्टोरीज़ की मदद से या पिक्चर्स की मदद से उसकी वोकैबलरी को अंडरस्टैंड किया अब हम बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे इस आवाज़ का जो अल्फाबेट है उसका नाम क्या है और वो देखने में कैसा लगता है तो ब्रेन की एक्टिविटी करेंगे डे टीचर्स हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं जैसे रिकग्निशन ऑफ द लेटर्स विद इनिशियल साउंड रेकग्निशन ऑफ द कैपिटल लेटर अलॉन्ग इट्स साउंड एंड देन वी ऑल्सो विल ट्राई टू प्रैक्टिस सम साइट वर्ड्स जो के इस इस साउंड और लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इस एज में स्टेज में जो वो कैबलरी या जो वर्ड्स बच्चों को आने चाहिए उतने ही जो टेक्स्ट हैं फोर या फाइव लेटर्स के वर्ड्स वो हम बच्चों को सिखाते हैं किताब के सफ़े पे देख लीजिए प्यारे बच्चों This is the topic recognition of capital letter E and phonic a. Skills are listening and then doing some coloring and writing. ठीक है जी तो listening के बाद बीच में क्या आता है स्पीकिंग एंड रीडिंग वो भी आपके सपने इन्वॉल्व करनी है और आज देख के मुझे बताएं कि स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ तस्वीर कुछ फ्लैश कार्ड नजर आ रहे हैं ये किन चीजों के हैं और इनकी शुरू की आवाज़ के आपको याद है सो so, लेट्स Who remembers this? What is this? This is a very happy little baby elephant. Yes, and this is a picture of a broken egg. जी तो जरा शुरू की आवाज पे फोकस करें एलिफेंट एग एलिफेंट इसका जो लेटर है देखने में आपको जो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एह एग एलिफेंट ये टीचर्स ये और वो वो कैबरी जो एह से शुरू होती हो हमने उसी का इस्तेमाल करना है क्योंकि दिस इज दिजिनल साउंड ऑफ द लेटर तो आइए देखते हैं थोड़ी सी ब्रेन स्टॉमिंग एक्टिविटी जो मैंने आपके साथ शेयर की टीचर्स भी जो है वो मुख्तलि फ्लैश कार्ड या ऑब्जेक्ट लेके आपके साथ Uh, जो है एक्टिविटी करना चाह रही होंगी सो लेट मी गिव यू टाइम टीचर इस वीडियो को यहीं पे चार से पाँच मिनट तक जो है आपने पॉज करके बच्चों को फ्लैश कार्ड से या रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ इस साउंड uh, की रिकग्निशन करानी है अगर प्ले ग्रुप में बच्चों ने सीखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा और अगर उन्हें नहीं सीखा तो आज दे विल स्टार्ट लर्निंग दिस साउंड एंड इट्स फेसेस तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और इसके बाद कुछ फ्लैश कार्ड्स या रियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से इस एक्टिविटी को टीचर्स एग्जीक्यूट करवाएं जी प्यारे बच्चों टीचर्स ने आपके साथ जो एक्टिविटी की कुछ फ्लैश कार्ड दिखाए तो मेरे पास भी कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए है फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फ्लैश कार्ड सी दिस इज द साउंड एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट एक और मेरे पास पिक्चर है इट इज एग प्लांट और एक और चीज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए लेट्स सी इफ यू नो द नेम दिस इज एन एग जी हाँ रियल ऑब्जेक्ट की मदद से टीचर्स जब आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसको टच करके फील करके उसको जल्दी ज्यादा सीख लेते हैं एंड आई मेड दिस हैप्पी फेस बिकॉज दिस एग इज हैप्पी टू सी यू सो व्हाट इज द साउंड इनिशियल साउंड डू यू रिमेंबर द फेस एह So, आपने इस साउंड की राइटिंग को भी प्रैक्टिस करना है शाबाश नाउ द वे आई एम प्रैक्टिसिंग इट ऑन दिस फ्लैश कार्ड अगर आपके पास फ्लैश कार्ड है तो उस पर प्रैक्टिस करें और अगर फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप बोर्ड के ऊपर या हवा में भी लिखाई कर सकते हैं या टेबल के ऊपर भी लिखाई सक, कर सकते हैं अभी तो हमने आपके साथ कितनी सारी एक्टिविटीज और कितने सारे आइडियाज शेयर किए हैं तो so, टीचर आज हम जिस साउंड की बात कर रहे हैं वो है ए जी हाँ यही आपकी किताब पे भी दिया गया है जो अपनी किताब के सफे पे देखें नजर आया आपको शाबाश तो सारे मिलके मेरे साथ बच्चे बोले ए, ए ह करके भी गले से आवाज निकलेगी क्योंकि जब आप ये आवाज निकालेंगे तो ये आपके हलक से जो निकलती है उसमें थोड़ा सा आवाज भी आती है जो कि आपके सांस की आवाज है दैट इज ऑल राइट सो दिस इज द साउंड एंड इट इज द साउंड ऑफ द लेटर ई यस दिस इज द लेटर दिस इज द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ई कैपिटल लेटर ई इसका नाम क्या है बच्चों e. और इसकी आवाज क्या है अभी हमने सीखी है प्रैक्टिस भी की एह। तो एह की आवाज के लिए दिखाएं तो आप कैसे लिखेंगे जरा मेरे साथ किताब पर प्रैक्टिस कर ले साथ, साथ आपकी बुक पर भी डॉटेड दिया हुआ आप उसको भी फॉलो करें सो वी आर गोइंग टू फॉलो बाई द नंबर्स वन से on the sideways we will make three sleeping lines one standing line and three sleeping lines shabash very good so teachers is letter ki jo uh, jo shakal hai jo face hai ki practice ke liye aap ko kuch time dijiye kuch material dijiye make, give them a sand tray give them a board and a marker वट एवर यू थिंक इज फिजिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड क्योंकि आज का जो मेन लेसन है उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले इनके जहन में इस लेटर की जो है आवाज यानी ए और इसका लेटर का नाम यानी ई और उसकी लिखाई की आता आ शक्ल आ जानी चाहिए तो आपके पास मुख्तिफ मटीरियल है मुख्तु मीडियम है आपके पास अगर फ्लैश कार्ड है जस्ट लाइक आई हैव देम हियर सो दिस इज द साउंड ए दिस इज द लेटर ई एह ई और अगर मैं इनको शफल करके आपको दिखाऊं तो आप क्या बताएंगे वट इज दिस ई ए इसका मतलब है जो अल्फाज इस लेटर से शुरू हो रहे हैं मोस्ट ऑफ ए तो आइए बढ़ते हैं अपनी किताब के सफ़े की तरफ और देखते हैं कि इसमें जो हमें चीजें दी गई हैं वो क्या क्या हैं? इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे कि एक पोएम दी हुई है एंड आर्ट कॉर्नर So let's see and start. अब हम जल्दी से अपना काम शुरू कर देते हैं ये टीचर्स इस लेटर की करवाने के बाद आपने जो वो कलरिंग और राइटिंग के टास्क को कर सके और उसके बाद दे विल गो टू आर्ट कॉर्नर टू पेंट सम एग शेल्स। तो ये एक्टिविटी टीचर्स कि आप इसको अप के बाद करवाएं बिल्कुल इस तरह जैसे ये मैंने एग आपको ड्रॉ करके दिया है आप बच्चों को कुछ एग एम टी एग शे ये एग तो रियल एग है स्टिल इट uh, तो आपने जो है इनको एग शेल खाली करके साफ करके ड्राई करके देना है एंड देन गिव देम सम कलर पेंसिल्स यू शुड हैव अ लॉट ऑफ एग शेल्स क्योंकि बच्चों से ये टूट भी जाएंगे क्रश भी हो जाएंगे इस तरह इनको इस चीज का भी आइडिया होगा कि किस नाजुक चीज को कितने फोर्स से इन्होंने पकड़ना है सो वंस दे कंप्लीट दिस आर्ट कॉर्नर एक्टिविटी मेक श्योर दैट दे नो द लेटर एंड द साउंड So, प्यारे बच्चों आपने आज जो साउंड सीखी है लेटर ई e की वो है ए इसको आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना दिस इज द कैपिटल लेटर ई एंड साउंड ए तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद जब आप आर्ट एक्टिविटी अगर आपको टीचर पहले करवाती हैं या बाद में करवाती हैं सूट्स द टीचर बट आपने फोकस करना है कि ई एलिफेंट ई ए, 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 elephant, ए, ए एलिफेंट टीचर जी इनके लिए साइट वर्ड है इसको आप एक चार्ट पेपर पर लिख के इस लेटर के साथ और इसके साउंड के साथ क्लास रूम में डिस्प्ले करें एंड रूटीन वाइज जब आप एक नया लेटर शुरू करें उसकी वोकैबरी को एड करें और रिवाइज करें सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट इट इज लाइन आर्ट इस पर आपने कलर करना है एंड प्लीज डू नॉट कलर योर एलिफेंट ब्लू एलिफेंट एर नॉट ब्लू यू कैन यूज ब्लैक कलर लाइट लाइट और उसे आपने ग्रे ग्रे सा कलर देना है जैसा कि एलिफेंट होता है और अगर आपने एलिफेंट नहीं देखा तो टीचर्स प्लीज इनके लिए एलिफेंट की कोई तस्वीर जो है वो अरेज करें इनको एलिफेंट का कलर दिखाएं ताकि उससे मिलता जुलता ये कलर करें दे शुड नॉट कलर एन एलिफेंट रेड येलो और पर्पल ठीक है जी उसके बाद अगला जो हमारा वोकैबलरी वर्ड है इट इज ईग ई ए

तो जरा होमवर्क जल्दी जल्दी से ले लीजिए क्योंकि जब आपने आर्ट की एक्टिविटी करनी है तो टीचर आपके लिए बहुत सारे कलरफुल से पेंट्स और क्रेन्स और मार्कर्स लेके आएंगी और कुछ एक्शल्स भी सो so, अभी जो आपके लिए होमवर्क है वो क्या है यू विल गो होम यू विल रिपीट दिस साउंड एंड यू विल ट्राई टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए साउंड एट होम तो अभी आपने घर जाके जब आप घर जाएंगे तो किचन में जाके देखें डू यू हैव ए eggs in the kitchen और eggplant in your kitchen किचन ये आपने ढूंढना है देखना है और फिर आके कल हमारे साथ share करना है कि आपको इस sound और इस letter से बनने वाली कुछ चीज़ें मिली टीचर्स लेटर की रिकग्निशन की एक बेस्ट ऑल्टरनेट है कि आप इनको न्यूज की कटिंग दे दें ताकि उसमें से वो जो आज जिस लेटर को आप पहचान करवाना चाह रहे हैं वो उसको सर्कल करके आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि दे हैव गोट द रेकनीशन ऑफ द लेटर ई तो आज के जो हमारे टास्क थे जब हमने इतनी सारी एक्टिविटीज के बाद किए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को लेटर ई और उसकी आवाज ए की प्रैक्टिस हुई हो होगी तो एक दफा हम रिकॉल कर लेते हैं दिस दिस इज इज द लेटर ई शाबाश एंड साउंड ए वेरी गुड जब ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक छोटी सी पोएम सिंग करेंगे वो भी एक्शन के साथ तो जल्दी से खड़े हो जाएं एंड दिस पोएम इज अबाउट An elephant a was an elephant stately and wise he had two tusks and a trunk and two funny little eyes so teachers when you are singing a poem point at the uh, action point object for example a is an elephant stately and wise he had two tusks and a trunk

ज़्यादा से ज़्यादा एह के जो वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें क्योंकि कल के लेसन में आपने इनको हमारे साथ शेयर करना है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़